हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में हमें जो डेसिमल नंबर्स गिवन है स्टूडेंट्स, हमें उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर दिखाना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 20.03। हमें 20.03 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर दिखाना है। तो यहां पर हमने लिखा 20.03 इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना होता है तो उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स गिवन है आपको उन सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अब प्लेस वैल्यू कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए डेसिमल के लेफ्ट में जो पहली डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है वंस, ठीक है, और डेसिमल के लेफ्ट में जो दूसरी डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है टेंस। अब हम डेसिमल के राइट में चेक करते हैं, डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है टेंथ, टेंथ का मतलब होता है 1/10, और डेसिमल के राइट में जो दूसरी डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है हंड्रेड, हंड्रेड का मतलब होता है 1/100। अब हम 20.03 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे डेसिमल के बिल्कुल लेफ्ट में जो डिजिट है वो कौन सी है, ये डिजिट है 2 और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है टेंस। देखिए डेसिमल के लेफ्ट में पहले डिजिट की प्लेस वैल्यू वंस है और दूसरे डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 क्योंकि यहां पर 2 था, तो यहां पर हमने 2 लिखा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 की प्लेस वैल्यू से और इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस, तो यहां पर हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब डेसिमल के लेफ्ट में ये वाली जो डिजिट है 0 इसको यहां पर लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी प्लेस वैल्यू से, 0 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो अभी तक हमने क्या किया 2 × 10 यानी 2 को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया प्लस 0 × 1 0 को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। अब हम डेसिमल के राइट में आएंगे, डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट है स्टूडेंट्स वो है 0, तो यहां हमने प्लस का साइन लगाया और उसके बाद 0 लिखा और 0 की प्लेस वैल्यू है टेंथ, टेंथ यानी के 1/10, तो हमने 0 को उसकी प्लेस वैल्यू 1/10 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लगाया, 0 के आगे जो डिजिट है यहाँ राइट साइड में वो है 3, फिर हमने यहाँ पर 3 लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया 3 की प्लेस वैल्यू यानी के 100 से, क्योंकि डेसिमल के राइट में जब हम जाते हैं तो पहले टेंथ आता है और उसके बाद 100, तो 100 का मतलब होता है 1/100, तो 3 को मल्टीप्लाई किया हमने 1/100 से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 20.03 को ये एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करके दिखा दिया है। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 2.03। हमें 2.03 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले यहां पर हमने लिखा 2.03 इज इक्वल टू। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि डेसिमल के लेफ्ट में कौन सी डिजिट है, डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक ही डिजिट है 2 और डेसिमल के लेफ्ट में जो पहली डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है वंस, तो यहां पर हमने लिखा 2 और उसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 की प्लेस वैल्यू यानी वंस से, तो यहां हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाया। अब हम डेसिमल के राइट में आएंगे, डेसिमल के राइट में क्या है 0 है, तो यहां प्लस के साइन के बाद हमने लिखा 0 और डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है टेंथ, टेंथ का मतलब होता है 1/10, तो 0 को हमने मल्टीप्लाई किया 0 की प्लेस वैल्यू 1/10 से, फिर प्लस का साइन आया और फिर 0 के बाद कौन सी डिजिट है यहां पर है 3, फिर हमने प्लस के साइन के बाद लिखा 3, और देखिए स्टूडेंट्स डेसिमल के राइट में पहले तो टेंथ आता है और उसके बाद जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है हंड्रेड, हंड्रेड का मतलब होता है 1/100, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 3 की प्लेस वैल्यू यानी 1/100 से। तो इस तरीके से हमने 2.03 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर दिखा दिया है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 200.03। हमें 200.03 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर दिखाना है, तो सबसे पहले हमने लिखा 200.03 इज इक्वल टू।
अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स के डेसिमल के लेफ्ट में कितनी डिजिट्स है। देखिए डेसिमल के लेफ्ट में 3 डिजिट्स है। डेसिमल के लेफ्ट में जो पहली डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है वंस, और जो दूसरी डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है टेंस, और तीसरी डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है हंड्रेड्स। तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा 2। डेसिमल के जो सबसे लेफ्ट की डिजिट होती है सबसे पहले हम वही लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर डेसिमल के लेफ्ट में बिल्कुल लेफ्ट में कौन है, 2 है। तो यहां पर सबसे पहले हमने 2 लिखा और उसे मल्टीप्लाई किया 2 की प्लेस वैल्यू यानी 100 से। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद यहां पर कौन सी डिजिट है, 0। हमने ये वाला 0 यहां पर लिखा और इस 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस। तो यहां पर हमने 0 को मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर से प्लस का साइन आएगा। अब हम ये वाला 0 यहां पर लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 0 की प्लेस वैल्यू से, और इस 0 की प्लेस वैल्यू है वंस। तो इस 0 को हमने मल्टीप्लाई किया वंस से। इसके बाद हमने प्लस का साइन लगाया। अब हम डेसिमल के राइट में आएंगे। डेसिमल के राइट में पहली डिजिट कौन सी है, 0। तो यहाँ प्लस के साइन के बाद हमने लिखा 0। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है 10th। 10th का मतलब होता है 1/10। तो 0 को हमने इसकी प्लेस वैल्यू 1/10 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का साइन लगाया। 0 के बाद कौन सी डिजिट है, 3। तो यहां पर हमने लिखा 3। और डेसिमल के राइट में जो दूसरी डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है 100th। 100th का मतलब होता है 1/100। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 की प्लेस वैल्यू 1/100 से। इस तरह से हमने 200.03 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर दिखा दिया है। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 2.034। हमें 2.034 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर दिखाना है। तो सबसे पहले हमने लिखा स्टूडेंट्स 2.034 इज इक्वल टू। अब हम चेक करेंगे कि डेसिमल के लेफ्ट में कितनी डिजिट्स है। देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल के लेफ्ट में एक ही डिजिट है, और डेसिमल के लेफ्ट में जो पहली डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है वंस। तो सबसे पहले हम इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी प्लेस वैल्यू यानी वन से। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, और उसके बाद देखिए डेसिमल के राइट में जो डिजिट है 0 है। तो यहाँ पर हमने लिखा 0, और डेसिमल के राइट में जो पहली डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है 10th। 10th का मतलब होता है 1/10। तो 0 को मल्टीप्लाई किया 0 की प्लेस वैल्यू यानी 1/10 से। इसके बाद यहां पर प्लस का साइन लगाया। 0 के बाद अगली डिजिट है 3, तो यहां पर हमने लिखा 3। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डेसिमल के राइट में जो दूसरी डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है 100th। 100th का मतलब होता है 1/100। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू 1/100 से। उसके बाद प्लस का साइन लगाया। 3 के बाद अगली डिजिट है 4, तो यहां पर हमने लिखा 4। और डेसिमल के राइट में जो तीसरी डिजिट होती है इसकी प्लेस वैल्यू होती है 1000th। 1000th का मतलब होता है 1/1000। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 की प्लेस वैल्यू यानी 1/1000 से। तो इस तरह से हमने 2.034 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर दिखा दिया है। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।